जैसा कि आप सुबह 6:30 तक जाग रहे थे, कितनी मुश्किलात आई आपको ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में? बहुत बहुत मुश्किल थी। हम रात के 11 बजे से इनफैक्ट वेट कर रहे थे, बट अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से चॉपर आ नहीं पाया। तो अभी सुबह 9:30 बजे वेदर इम्प्रूव हो गया, तो अभी चॉपर आ गया, तो पेशेंट्स को लेके चला गया। सर, कुल कितने पेशेंट चले गए और कितने और भेजने? अभी बीएमओ साहब ने 2 पेशेंट्स को भेजा था, एक तो टर्मिनली इल थी एक पेशेंट, एक वो इवैक्यूएट हो गई है, और एक 10 मंथ ओल्ड बेबी था, तो उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया अलॉन्ग विद अटेंडेंट्स जो थे उनके। सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि साधना टॉप को खुलने में कितनी और समय लग सकता अभी है? अभी एवलॉन्च वार्निंग लेवल 4 है वहाँ पे, तो क्लियरेंस का काम जो है, जो मेन साधना टॉप है वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो गया। एज सून एज वो एवलॉन्च वार्निंग लेवल नीचे आ जाएगा तो काम डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग लगे हुए हैं तो पक्का हो जाएगा जल्दी। सिविल हेली आने के चांसेस हैं अगले कुछ? हम लगे हुए उसी में, सॉर्टीज मंगा रहे, अगर वेदर फेवरेबल होगा तो आज आ जाएंगी सॉर्टीज, आ जाएंगी आज। बचे हुए पेशेंट को भी रेस्क्यू किया? हाँ हाँ जी जी जी। सर, जो पेशेंट चित्रकोट से था जिसको निकालने के लिए इतनी, उनको क्या प्रॉब्लम थी और कितनी दिक्कत आ रही थी उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट करने में या पार भेजने उनका? बेसिकली डिलीवरी का इशू था, अभी तो ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था अभी, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि इनको जितना जल्दी इवैक्यूएट करे उतना बेटर है, तो उसी को कीपिंग इन व्यू दैट मैंने कल रात को ही डीसी साहब से बात की, तो थैंकफुली डीसी साहब ने खुद पर्सनली इसमें इंटरवीन किया, और ये उनकी ही एफर्ट्स की वजह से है कि अभी जो ये हेलीकॉप्टर है इतना आ गया हमारे पास, और हम उनको इवैक्यूएट